हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारे लोग रहते हैं जो पहली दफ़ा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिक रहता है उसकी स्टडी करने की शुरुआत कर देते हैं, तो वो जो लोग रहते हैं बिगिनर लेवल के, उनको टारगेट करते हुए मैं कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने कैंडलस्टिक के बारे में देखा था और आज के वीडियो में हम जो बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहता है उसके बारे में हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के दौरान जो भी हम इन्फॉर्मेशन ले लेंगे वो बहुत ही सिंपल सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएगा और वो समझ लेने के बाद उसे हम टेक्निकल टर्म से भी कंपेयर करेंगे तो उसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा। तो जितना भी मुझसे हो सके उतने अच्छी तरह से या आसान भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का रेड बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिए और उसके सामने बेल आइकॉन आएगा, उसको क्लिक कीजिए तो जो भी मैंने वीडियोज बनाते रहता हूँ उसके अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। अभी पहला पॉइंट है, जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस करने की शुरुआत करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस रहता है चार्ट को देखकर। चार्ट को हम जब भी देखेंगे तो चार्ट में भी लाइन चार्ट रहता है, कैंडलस्टिक चार्ट रहते हैं और अलग तरह के बहुत सारे अलग अलग तरह के चार्ट्स के टाइप्स रहते हैं। तो हम इस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो चार्ट के टाइप के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा कि वो हर तरह के चार्ट पे अप्लाई होने वाला है, राइट दोस्तों। तो चलिए, यहाँ पे हम कौन सा टाइप है उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें खाली हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो भी कॉन्सेप्ट है उसे समझ लेने की कोशिश करनी है। जब भी हम चार्ट देखते हैं तो चार्ट पर हमें पता लग जाता है कि स्टॉक उसके रेंज में ट्रेड करते रहता है। ट्रेड करने के बाद एक पर्टिकुलर ऐसी प्राइस रेंज आती है, वहाँ पे स्टॉक ट्रेड करना रुकता है और वहाँ से स्टॉक में एक तो अच्छी खासी उसी डायरेक्शन में मूवमेंट आती है या स्टॉक रिवर्स हो जाता है। तो वो जो पर्टिकुलर जोन्स रहते हैं उसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। ये हो गया टेक्निकल टर्म के बारे में, जिसे हम अभी आसान एक पर्टिकुलर एनिमेशन के द्वारा समझ लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मान लीजिए ये ऊपर वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और नीचे वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अभी हमारा स्टॉक इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर ट्रेड होते रहता है कुछ इस तरह से। पहले स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होगा, उसके बाद स्टॉक में बाइंग आएगी, बाइंग आने के बाद ये स्टॉक की प्राइसेस ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी। ऊपर की तरफ बढ़ने के बाद एक पर्टिकुलर ऐसी प्राइस रेंज आ जाएगी, वहां पे स्टॉक रुक जाएगा। रुकने के बाद उसमें थोड़ा रिवर्सल होगा और स्टॉक की प्राइसेस फिर नीचे आने लगेगी। नीचे आने के बाद फिर से स्टॉक को एक पर्टिकुलर जोन मिलेगा, प्राइस जोन मिलेगा, वहां पे फिर से स्टॉक की प्राइसेस रुकेगी और वहां से फिर स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर देगा। ऊपर जाने के बाद फिर से स्टॉक को वही रेंज मिलेगी जो पिछली बार मिली थी प्राइस रेंज, वहां पे जाने के बाद फिर से स्टॉक रुक जाएगा और रुकने के बाद फिर स्टॉक वहां से नीचे आना शुरू कर देगा, राइट। और नीचे आने के बाद फिर से स्टॉक को वही रेंज मिलेगी जो पिछली दफा मिली थी और उसी रेंज में फिर स्टॉक नीचे आकर रुक जाएगा, राइट दोस्तों। तो इस तरह का कुछ एनालिसिस या हम कहते हैं स्टॉक का या चार्ट का बिहेवियर रहता है, उसमें स्टॉक पर्टिकुलर प्राइस रेंज तक मूव होते रहता है और एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज पर जाने के बाद वहां पे रुक जाता है और रुकने के बाद वो फिर से ट्रेंड रिवर्सल दे देता है और फिर से वो पीछे की साइड में मूवमेंट दे देता है और फिर से एक पॉइंट पे या प्राइस रेंज पे आ जाता है, वहां पे फिर से रुक जाता है। तो इस तरह की मूवमेंट स्टॉक में हर बार आती रहती है। तो यहाँ पे जब भी स्टॉक नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज आ जाती है, उस प्राइस रेंज पे स्टॉक उसके हिसाब से ट्रेड करना बंद कर देता है और वहाँ पे रुक जाता है और वहाँ से घूम जाता है, तो उस लेवल को हम रेजिस्टेंस कहेंगे। वैसे ही स्टॉक की प्राइसेस नीचे आने लगती है, नीचे आने के बाद एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज आ जाता है, उस प्राइस रेंज पे आने के बाद स्टॉक की प्राइसेस फिर वहाँ से ऊपर जाना बंद करने देती है या वहाँ से ट्रेड करना, स्टॉक की जो मूवमेंट जो फास्टली जो मूवमेंट होती रहती है वो वहाँ पे रुक जाती है और नीचे की साइड पे एक मूवमेंट जो आएगी वहाँ पे स्टॉक रुक जाएगा, वहाँ से नीचे नहीं जाएगा और वहाँ से स्टॉक का रिवर्सल हो जाएगा, उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज को हम सपोर्ट कहते हैं, राइट दोस्तों। तो जनरली इसे कंक्लूड करेंगे तो इतना ही कि जब भी प्राइस स्टॉक के प्राइसेस बढ़ते रहते और बढ़ने के बाद एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज आ जाता है, वहां पे प्राइस आगे बढ़ना ऊपर जाना रोक देते हैं, उस पर्टिकुलर रेंज को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और जब भी स्टॉक की प्राइसेस ऊपर से नीचे आने लगती है और नीचे आने के बाद एक पर्टिकुलर फिर से उसे प्राइस रेंज मिल जाता है, वहां से स्टॉक की प्राइसेस नीचे जाना बंद कर देती है, उसे हम सपोर्ट कहते हैं। तो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोस्तों ये होता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता लग गया होगा। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।